हूं। ये वाकई एक बहुत ही कामयाब यात्रा रही है। इस यात्रा से इस मुल्क को बहुत अशद जरूरत थी। क्या एक कोशिश की गई है कि पूरी दुनिया को यह तासुर दिया जाए कि इस मुल्क में सिर्फ एक सोच है और वो सोच है संघपरस्त, संघ परिवार वाले, फिरका परस्त सोच। इस यात्रा ने ये साबित किया है कि हाँ, इस मुल्क में वो है जो बीजेपी को पसंद करते हैं, लेकिन इस मुल्क में वो भी लोग हैं जो बीजेपी को छोड़ के एक नई सियासत चाहते हैं, एक अलग सोच चाहते हैं, जो भाईचारा चाहते हैं, जो अमन से रहना चाहते हैं, जो एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहना चाहते हैं, जो सोच जो है, जो चीज बीजेपी इस मुल्क को दे नहीं सकती। महबूबा जी ने सही कहा, आज महात्मा गांधी जी शहीद हो गए थे। वो महात्मा गांधी जिन्होंने जम्मू कश्मीर को 47 में देख के ये कहा कि मुझे रोशनी की किरण नजर आ रही है। इस यात्रा ने शायद पूरे हिंदुस्तान में दोबारा एक रोशनी की किरण जो है वो जिंदा की है। मैं राहुल आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके ये यात्रा ने साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से जरूर मिलाया है, आपने उत्तर भारत को दक्षिण भारत से मिलाया है। शायद अब वक्त आया है आप इसके बाद, क्योंकि अब आप शायद सोच रहे होंगे कि अब आप क्या करोगे। लगातार सितंबर से आप चलते आए हो, मैं जानता हूँ थोड़ा सा तो आपको आराम का वक्त मिलना चाहिए, लेकिन मेरी आपसे मोहतरमाना गुजारिश है इसके बाद आप पूर्व और पश्चिम भारत को भी इसी तरह एक भारत जोड़ो यात्रा के तहत मिलाइए। हमें इस यात्रा में थोड़ा सा आपके साथ चलने का वक्त मिला है, बहुत हिस्सा है भारत का पूर्व और पश्चिम के दरमियान जो मैंने नहीं देखा है। अगर आप पूर्व और पश्चिम के दरमियान चलोगे तो इंशाल्लाह मेरी भी कोशिश रहेगी कि कुछ अरसा उसमें मैं आपके साथ चलूं और हम एक भाईचारे और प्यार और मोहब्बत का पैगाम जो है एक साथ लाके चलेंगे। मैं एक बार फिर आपको इस कामयाब यात्रा पे मुबारकबाद पेश करता हूं, और इस बात पे भी कि आप श्रीनगर बर्फ लाए। हम बहुत अरसे से इस बर्फ का इंतजार करते आए हैं। ये बर्फ एक बहुत नेक सबूत है, इस बर्फ में हमारी बेहतरी है। आज ये प्रोग्राम बेशक बर्फ के तहत थोड़ा उथल पुथल हुआ, लेकिन इस बर्फ ने हमारी जिंदगी में एक रोशनी लाई है जिसके लिए हम आपके लिए आपको भी शुक्रिया करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।